नमस्कार दोस्तों। तो अगर आपने इन ड्राइवर अपनी गाड़ी लगा रखी है तो इस वीडियो में आपको सारी बातें बताऊंगा जो एक ड्राइवर को पता होना चाहिए। शुरू करते हैं हम। ये जो तीन डॉट्स पे आपको क्लिक करना है, ये आपका मेन्यू बटन। मेन्यू बटन में आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है और इंटरसिटी राइड आपको ऑन रखनी है। इससे आपको किसी भी इंटरसिटी राइड का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। अच्छा, और यहाँ पे जो डू नॉट लिक लॉक स्क्रीन है उस पर आपको टिक रखना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक राइड को कैसे एक्सेप्ट करते हैं और उसमें आप क्या क्या डिटेल्स देख सकते हो। एक राइड आई है मेरे पास जिसका ए पॉइंट है मुझे पिक करने के लिए जाना है और बी पॉइंट पे मुझे ड्रॉप करना है। ए पॉइंट मेरी लोकेशन से 774 मीटर दूर है, जो कि 3 मिनट का रास्ता है, और बी पॉइंट है 6.5 किलोमीटर। अब इसको देखते हुए मैं 120 रुपए का मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, इसको मैं 120, 132, 138, 144 में एक्सेप्ट कर सकता हूँ। मैं प्रेफर करूँगा आप 120 पे एक्सेप्ट करो, क्योंकि बाकी ड्राइवर्स भी हैं वो इसी हिसाब से बोली लगा रहे हैं। उस पर क्लिक करते ही आपको टाइम पूछेगा, आपने टाइम दे दिया कितनी देर में पहुँचोगे आप। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है, कस्टमर आपकी जो राइड रिक्वेस्ट है उसको वो एक्सेप्ट करेगा। अब जैसा कि यहाँ पे पैसेंजर ने मेरी राइड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, तो मुझे नेविगेशन पे क्लिक करना है ताकि मैं उसको पिक करने जा सकूं। नेविगेशन पे क्लिक करते ही आपका गूगल मैप खुलेगा और आपको रूट की पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपको कैसे और कहां जाके कस्टमर को पिक करना है। आप गूगल मैप फॉलो करो और वहां पे जाके कस्टमर को आप पिक कर सकते हो। उसके बाद आपको इन ड्राइवर के ऐप में दोबारा से आना है, और यदि आप कस्टमर को कॉल करके कन्फर्म करना चाहते हो तो यहाँ पर कॉल का बटन है, इस पर क्लिक करते ही आपके पास कस्टमर का नंबर आ जाएगा और आप उसको डायरेक्ट कॉल करके उनसे बात कर सकते हो। अब जैसा कि आपने नेविगेशन से आप पहुंच गए वहां पे, आपने कस्टमर को पिक कर लिया वहां पे, उसके बाद आप उसको कॉल करके उनको बता दो कि मैं पहुंच चुका हूं, और साथ ही आई हैव अराइव्ड का बटन आपको दबा देना है, जिससे कि कस्टमर को ये पता चल जाएगा कि आप उसकी लोकेशन पे पहुंच चुके हो। उसके बाद आपको एक बार फिर से नेविगेशन बटन पे क्लिक करना है, और ये नेविगेशन आपको बी पॉइंट यानी कि आपको कस्टमर के फाइनल डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा, जहाँ पे आपको कस्टमर को ड्रॉप करना है। तो दोस्तों, इन ड्राइवर में भी फ़िलहाल कोई कमीशन नहीं है, इसलिए आप इसकी राइड एक्सेप्ट करके और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। कस्टमर को उसकी लोकेशन पे पहुंचाने के बाद आपको एंड द राइड पे क्लिक कर देना है। अब क्योंकि मैंने राइड अभी स्टार्ट की है, इसलिए ये अभी कैंसिल नहीं होगी, इसमें थोड़ा समय लगता है। दोस्तों, मैं अपने आने वाली वीडियो में इसकी और भी जानकारी देता रहूँगा। तब तक के लिए आप इसको लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।